यूं तो शहर कराची का अपना ही ख़ास मकाम है, लेकिन इसे और भी ख़ास बनाती हैं इसकी दो चीज़ें, एक इसका समंदर और दूसरा इसमें रहने वाले समंदर जैसा दिल रखने वाले लोग। इस शहर में डिफरेंट सी साइड्स हैं, लेकिन अगर आप मनोड़ा बीच से वाकिफ़ नहीं हैं तो आज आपको हम मनोड़ा बीच घुमाते हैं। पार्टीशन से पहले शहर कराची ब्रिटिश के लिए आइडियल सिटी था, और यहाँ पर आज भी कुछ ऐसी इमारात और मॉन्यूमेंट्स हमें बताते हैं कि वो इस शहर को बहुत अहमियत देते थे। पार्किंग के पास इस पैसेंजर पिविलियन की बुनियाद 1913 में गवर्नर बम्बई ने रखी। कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ेगा? फहीम भाई, डर तो नहीं लगता आपको? निकले निकले निकले। यहाँ बैठेंगे? ये लॉस्ट चाइना शिप एक्चुअली मोटर होपर है, जो 1965 में बना था और ये जब से अब तक यहीं पर ही है। समंदर में परवरदिगार ने बड़े ही राज रखे हैं, और ये अंदाजा समंदर में उतरने के बाद ही होता है। मैम थोड़ा सा लेट हो गए, गाड़ी चली गई और हम पैदल पैदल जा रहे हैं, और हमारे साथ हैं फहीम भाई। कैसा लग रहा है फहीम भाई पैदल चलते हुए? पैदल चलना अच्छा है सेहत के लिए, और चलना भी चाहिए इंसान को। टेम्पल ऑफ गुरु नानक एंड बामिक स्वामी बिल्ड इन 1871। एंड दिस इज श्री वरुण देव टेम्पल। ये भी एक कदीम हिंदू मंदिर था जिसे 2009 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने रिबिल्ड किया। समंदर की एक जंग खुश्की की 10 जंगों से बेहतर है। वेलकम टू मनोड़ा बीच।
नाम वाला नाम का नहीं था नाम नहीं मालूम।